Good morning, students. Today we are going to discuss quantity aptitude quiz for IBPS 8th February 2019, and this is the day 16. Today's topic is pipe and cistern. First question of this question, this quiz: an inlet pipe can fill a tank in 8 hours and outlet can empty the same tank in 40 hours. Working individually, how many minimum additional numbers of outlet pipes of the same capacity are required to be opened so that tank never overflows? So inlet pipe and outlet pipe. Inlet pipe tank को 8 hour में fill कर देता है and inlet outlet pipe 40 hours में tank को empty कर देता है. This is the time and LCM is 40, so 5 and 1 की efficiency आ जाएगा. इनलेट पाइप की एफिशिएंसी 5 एंड आउटलेट पाइप की एफिशिएंसी 1, यानी कि इनलेट पाइप फिल कर रहा है, आउटलेट पाइप एम्प्टी कर रहा है 1 की एफिशिएंसी से. सो पूछा गया हाउ मेनी मिनिमम एडिशनल नंबर ऑफ आउटलेट पाइप, यानी कि कितने और आउटलेट पाइप लगाए जाएं सेम कैपेसिटी के जो कि टैंक कभी भी ओवरफ्लो ना हो. सो अगर आउटलेट पाइप की एफिशिएंसी 1 है एंड इनलेट पाइप की एफिशिएंसी 5 है, यानी कि अगर इनलेट पाइप 5 की एफिशिएंसी से भर रहा है एंड आउटलेट पाइप भी जब साथ में वर्क करने लगता है तो 1 की एफिशिएंसी से वो खाली कर दे रहा है, यानी कि टोटल जब दोनों साथ में वर्क कर रहे हैं तो 4 यूनिट पानी वो टैंक में फिल हो रहा है. सो एफिशिएंसी आउटलेट पाइप की 1 है, यानी कि हम 4 आउटलेट पाइप हम अगर इंस्टॉल कर दें टैंक में जिसकी एफिशिएंसी 1 है, सो टैंक कभी ओवरफ्लोज नहीं होगा, यानी कि रिक्वायर्ड नंबर ऑफ एडिशनल नंबर ऑफ आउटलेट पाइप इज 4. सो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट फॉर क्वेश्चन नंबर 1. यहां पे एक लाइन लिख लेंगे, व्हेन इनलेट एंड आउटलेट पाइप वर्किंग टुगेदर. क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 2. अ टैंक होल्ड 100 गैलन्स ऑफ वाटर इट्स इनलेट इन 7 इंचेस इन डायमीटर एंड फिल्स द टैंक एट 5 गैलन्स पर मिनट. द आउटलेट ऑफ द टैंक इज ट्वाइस द डायमीटर ऑफ द इनलेट. How many minutes will it take to empty the tank if the inlet is shut off when the tank is full and the outlet is open? ठीक है, हिंट दिया हुआ है, rate of filling or emptying is directly proportional to the diameter. So inlet pipe 7 inch का अगर diameter है, so वो tank को fill 5 gallon per minute कर देता है, और जब outlet pipe जो कि आउटलेट पाइप का डायमीटर है ट्वाइस है इनलेट से, यानी कि आउटलेट पाइप 14 इंच का हो जाएगा डायमीटर एंड वी कैन से रेट ऑफ फिलिंग, जो रेट है फिल करने का वो डबल हो जाएगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है ना, हिंट में दिया हुआ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डायमीटर, यानी कि 7 इंच का था तो 5 गैलन पर मिनट, जब आउटलेट पाइप 14 इंच हो गया तो 10 गैलन पर मिनट. अब अ टैंक होल्ड 100 गैलन ऑफ वाटर, यानी कि जो टैंक है वो होल्ड कर सकता है 100 गैलन ऑफ वाटर एंड व्हेन द टैंक इज फुल. टोटल 100 वाटर जो है फुल है टैंक में, लिखा हुआ क्वेश्चन दिया गया कि टैंक जब फुल है और आउटलेट जब ओपन हो जाता है तो कितने मिनट में वो टैंक को खाली कर देगा जब इनलेट शट ऑफ हो जाता है, बंद हो जाता है. सो आउटलेट 10 गैलन पर मिनट से खाली करेगा टैंक को, तो 10 से हम डिवाइड कर देते हैं, यानी कि 10 मिनट में टैंक जो है पूरा खाली हो जाएगा.
So option number B is correct for question number 2. Now next question is question number 3. Question number 3 is 3 pipes A, B, C can fill a tank 15 minute, 20 minute and 30 minute. A, B and C 15 minute, 20 minute and 30 minute respectively. All three pipes start to the fill tank at same time. सभी जो है tank एक साथ start हो जाते हैं. The pipe C is closed 6 minute before the tank is filled. जब tank complete होने वाला था तो 6 मिनट पहले C close कर दिया था. In what time the tank will be full? मतलब tank जो है कितने समय में पूरा full हो गया था. So ये time let कर लेते हैं. Time given है and total capacity of the tank. LCM of ABC, so LCM is 60, 4 times, 3 times and 2 times, this is the efficiency of the tanks. But question बोल दिया गया है कि the pipe C is closed 6 minutes before the tank, यानी कि tank जो है fill complete होने से पहले 6 मिनट पहले C बंद हो जाता है. तो जब टैंक 6 मिनट पहले बंद हो जाता है सी, तो उस समय उस 6 मिनट में ए और बी ने साफ वर्क किया होगा, यानी कि ए प्लस बी 6 मिनट तक वर्क किए होंगे. ए की एफिशिएंसी 4 एंड बी की एफिशिएंसी 3, टोटल कितना वर्क कर गए होंगे? 42 वाटर उन्होंने फिल कर दिया होगा. टोटल 60 था, 42 लेस कर देते हैं तो कितना हो जाएगा? 18, यानी कि 18 जो वाटर था वो तीनों ने ए प्लस बी प्लस सी ने साथ में फिल किया होगा. तो 18 वाटर और इफिशियंसी का सब 437 एंड 89, यानी कि 2 मिनट, 2 मिनट में फिल किया होगा. सो टोटल टाइम, टोटल टाइम कितना हो गया? 2 मिनट ये वाला प्लस 6 मिनट, 6 मिनट जो इन्होंने इधर वर्क किया था, तो टोटल 8 मिनट, टोटल 8 मिनट में वर्क कंप्लीट कर लिया. इसका एक मेथड और देख लेते हैं. ए बी एंड सी एज इट इज अभी लिख लेते हैं यहां से. 15 20 एंड 30, 15 20 एंड 30 एफिशिएंसी इनकी थी 4 3 एंड 2, टोटल कैपेसिटी ऑफ द टैंक इज 60. अब सी ने 6 मिनट पहले बंद कर दिया था और सी की एफिशिएंसी 2 है, यानी कि अगर हम सी को सी से हम काम करा लेते हैं जो 6 मिनट पहले बंद था, अगर वो नहीं जाता सी तो कितना वर्क करके जाता? 12 है, 6 मिनट एंड 2 एफिशिएंसी से टोटल 12 काम करता, तो टोटल कितना काम हो जाता? 72 टोटल काम हो जाता. और सभी लोग साथ में कर रहे थे तो 4 3 एंड 2 टोटल कितना हो जाएगा? 4 3 7 एंड 9 यानी टोटल टाइम यहां से 8 मिनट हो जाएगा. यानी कि सी अगर वो जा रहा था छोड़ के तो मुझसे जबरदस्ती काम करा लेते हैं, और अगर वो काम करता तो इतना काम करता, तो टोटल यहां से 8 मिनट. सो ऑप्शन बी इज करेक्ट फॉर क्वेश्चन नंबर 3. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 4. Question number 4 is, two pipes X and Y can fill an empty tank in 16 and 24 hours respectively. Ravi opens these two pipes simultaneously. After 8 by 3 hours, he comes back and sees that there was a leak in the tank. He stopped the leakage and thus tank took 48 by 5 hours to be filled completely after closing the leak. In what time leakage will empty the fill tank? यानी कि leak से tank कितनी देर में empty हो जाएगा, पूरा खाली हो जाएगा. So X and Y 16 and 20 hours में fill करते हैं. Total capacity of the tank is LCM of 16 and 24. LCM is 48. Efficiency of X and Y is 3 and 2. Total work जो था वो 48 हो जाएगा.
यानी टोटल वर्क ये हो गया 48, इफिशियंसी ऑफ एक्स इज 3 एंड 2, एंड लेट कर लेते हैं जो लीक था, लीक की इफिशियंसी एक्स है। सो यहाँ पर आफ्टर 8/3 आवर्स बाद जब वो आया था तब उसने देखा था कि लीक भी है साथ में, यानी कि इतने टाइम में एक्स वाई एंड लीक तीनों ने साथ में वर्क किया होगा। तो ए एक्स एफिशिएंसी इतने वर्क किया होगा वाई टू की एफिशिएंसी से, एंड लीकेज जो था वो एक्स की एफिशिएंसी से खाली कर रहा होगा। टोटल कितने टाइम वर्क करते हैं 8/3, ठीक। फिर जब बाद में वो लीकेज को स्टॉप कर दिया गया तब 3 एंड 2 वर्क कर रहे होंगे साथ में, सिर्फ x एंड y, और कितने टाइम बाद वो फिल हो जाता है 48/5 आवर्स। ये हमारा इस तरह से टोटल वर्क निकला, एंड ये हमें टोटल वर्क यहां से पता चल गया था। तो 48 सॉल्व करते हैं यहां से, 48 इज इक्वल टू 5 माइनस x 8/3 प्लस 5 इंटू 48/5, डायरेक्टली हम बोल सकते हैं 48, यहां से 48 कैंसिल हो जाएगा या सबट्रैक्ट कर लेते हैं, तो 5 माइनस एक्स या अंडर मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 40/3 माइनस 8x/3 इक्वल टू 0, 0 हम उधर भेज देते हैं तो ये हो जाता है, यहाँ से x की वैल्यू 5 आ गई, यानी जो लीक की जो इफिशियंसी थी वो 5 है। हमें लीकेज की इफिशियंसी मालूम पड़ गई, अब हमें फाइंड करना है कि वो टोटल टैंक को कितनी देर में एम्प्टी कर लेता है। तो टोटल टैंक जो है 48 वर्थ है टोटल, और इफिशियंसी लीकेज की 5 थी, यहाँ से इसको हम सॉल्व कर लेते हैं, कितना 9 टाइम्स जाएगा 45 एंड 0.6 आवर्स, यानी कि जो लीकेज था वो 9.6 आवर्स में टैंक को एम्प्टी कर देगा। सो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट फॉर क्वेश्चन नंबर 4। Now next question is question number 5. Question number 5 is one fill pipe A is 3 times faster than second fill pipe B and it takes 32 minutes less than the fill pipe B. When will the system be full if both pipes are open together? A एंड B, पाइप A 3 टाइम्स फास्टर है पाइप B से, यानी कि फास्टर यानी इफिशियंसी की बात चल रही है, तो इफिशियंसी यहां से हो जाएगा 3 टाइम्स से फास्टर B से, हम लेट कर लेते हैं 3 है A की इफिशियंसी एंड B की इफिशियंसी इज 1, ठीक है। अब टाइम कितना हो जाएगा, टाइम जो होता है रेसिप्रोकल हो जाता है A एंड B की इफिशियंसी का, तो टाइम 1 लेगा एंड बी 3, जिसकी इफिशियंसी जितनी ज्यादा उतना ही वो टाइम कम लेगा। सो यहाँ से हमारे टाइम का डिफरेंस कितना है 2, एंड इन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जो कि गिवन है 32 मिनट, यहाँ से 1 16 मिनट, 16 मिनट एंड व्हेन विल द सिस्टम बी फुल इफ बोथ पाइप्स आर ओपन टुगेदर, यानी कि जब सिस्टम पूरा फुल हो जाता है सिस्टम, ठीक है, यहां से 1 की वैल्यू 16 आ गई। अब हम इसको टाइम निकाल लेते हैं, A का टाइम कितना हो जाएगा 16 मिनट एंड A का टाइम 1 था ना यहां से, तो हमने 1 की वैल्यू यहां से फाइंड हो गई, तो यहां से A का टाइम 16 एंड B का टाइम 3 है यहां पर, तो 16 3 जा 48 मिनट, ये टाइम हमें यहां से फाइंड हो गया। हम इसको एलसीएम ले लेते हैं, एलसीएम इज 48, 3 एंड 1 इफिशियंसी सेम, इफिशियंसी सेम है यहाँ के अकॉर्डिंग, तो बिल्कुल राइट जा रहा है। यानी 48 जो हमारा वर्क है 48 हम बोल सकते हैं कैपेसिटी ऑफ द टैंक, तो 48 की कैपेसिटी एंड कब वो फिल कर देंगे, व्हेन पूछा गया ना, व्हेन विल द सिस्टम बी फुल द टैंक, तो इफिशियंसी 3 एंड 1 टोटल इफिशियंसी 4, तो इफिशियंसी यानी कि से डिवाइड कर देंगे, यहाँ से 12 मिनट में टैंक जो हो जाएगा पूरा फुल हो जाएगा। सो आंसर इज 12 मिनट, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट फॉर क्वेश्चन नंबर
5. Now next question is question number 6. Question number 6 is, a cistern has 2 inlet taps which fill it in 12 minutes and 15 minutes. हम लेट कर लेते हैं, A 12 है and B is 15 minutes respectively, and an exhaust tap, एक exhaust tap है, C हम लेट कर लेते हैं. When all the 3 taps are open together, it takes 20 minutes to fill an empty cistern. How long will the exhaust tap take to empty it? So A 12 minute fill kar deta hai, B 15 minute mein, aur when all the 3 taps are open, jab tino log tino tank saath mein work karte hain, yani ki A plus B and empty tap hai C, to C yahan se minus C kitne time lete hain, 20 minute. Yahan se hum LCM nikal lete hain, LCM ये हो जाएगा एफिशिएंसी ऑफ ए बी एंड ए प्लस बी माइनस सी. सो यहां से पूछा गया हाउ विल लॉन्ग द एग्जॉस्ट टैप, एग्जॉस्ट टैप की एफिशिएंसी निकालना पड़ेगा, यानी कि ए एंड 5 प्लस 4 9 वर्क कर रहे थे, लेकिन जब तीनों साथ में वर्क करते हैं तो 3 निकल जाता है यहां से, यानी कि C की एफिशिएंसी कितनी हो गई 6. ऐसे भी आप निकाल सकते हैं अगर आपको कंफ्यूजन हो गया तो, 5 plus 4 minus x is equal to 3. minus 3 is equal to x, तो x जो है 6 आ गया. x हमने यहां पर ये बेसिक मैटर समझाने के लिए किया था, डायरेक्टली हम यहां से बोल सकते हैं x की एफिशिएंसी 6, ये C की एफिशिएंसी 6. So, how long total work था 60 and खाली कर रहा है 6 minute, and if C की efficiency है exhaust type efficiency 6, तो यहाँ से 10 minute में वो पूरा खाली कर देगा tank को. So option number D is correct for question number 6. Now next question is question number 7. Question number 7 is, our tank is 7 meter long and 4 meter wide. At what speed should water run through a rectangular pipe 5 cm broad and 4 cm deep so that in 6 hours and 80 minutes water level in the tank rise by 4.5 meter. So tank jo tha 7 meter long tha and 4 meter wide tha. ये हम बोल सकते हैं 7 मीटर लॉन्ग एंड 4 मीटर वाइड, और जो टैंक राइज था, यानी कि इसमें टैंक जो भी इसमें वाटर लेवल था वो 4.5 से बढ़ जाता है, ये 3D फिगर है, तो इधर हम ठीक से नहीं समझा सकते इसको, 4.5 मीटर वाटर लेवल राइज हो जाता है. सो वैल्यू ऑफ द टैंक इज इक्वल टू 7 मीटर into 4 meter and 4.5 meter या 9 by 2 meter डायरेक्ट बोल सकते हैं. यहाँ से total volume कितना हो जाएगा, 9 to 18 and 18 1 to 6 meter cube हो जाएगा, volume meter cube में होता है unit इसका. So volume of the tank is 1 to 6 meter cube. अब इसी वैल्यूम को एक रेक्टेंगुलर 5 सेंटीमीटर ब्रॉड, जो रेक्टेंगुलर है वो 5 सेंटीमीटर ब्रॉड है एंड 5 सेंटीमीटर ब्रॉड है, यानी सेंटीमीटर को मीटर में चेंज करते हैं 100, एंड 4 सेंटीमीटर डीप है, यानी 4 अपॉन 100 डीप है, और 6 आवर 80 मिनट में फिल कर देता है. 6 आवर 80 मिनट के मतलब कि वो इतनी टाइम में वो फिल करता है 6 आवर 80 मिनट, इसको ऐसे बोल सकते हैं, यानी इसको हम सॉल्व करेंगे 6 एंड 10 60 एंड 63 बाय 10 डायरेक्टली देख सकते हैं 60 बाय 63 बाय 10 आवर्स.
अब स्पीड हम लेट कर लेते हैं एक्स की स्पीड से, यहां हम लेट कर लेते हैं, लेट द स्पीड ऑफ वाटर वी एक्स किलोमीटर पर आवर। सो एक्स किलोमीटर में हम इसको मीटर में चेंज कर लेंगे क्योंकि मीटर में ही हमें ये सब चीजें गिवन है। मीटर मीटर यहां से मीटर और मीटर सब कैंसिल हो जाएगा, यूनिट जो है ऑफिस में सब कैंसिल हो जाएगा। इसको हम सॉल्व करते हैं, यहां से एक्स की वैल्यू यहां से फाइंड करते हैं, फाइव टू जेड टेन एंड जी सॉल्व कर लेते हैं टू, यानी एक्स की वैल्यू यहां से टू एंड टू फाइव जेड टेन, एक्स की वैल्यू डायरेक्टली यहां से आ गई टेन, टेन आ गई किलोमीटर पर आवर। सो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट फॉर क्वेश्चन नंबर सेवन। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर एट। क्वेश्चन नंबर एट इज टू पाइप्स कैन फिल अ टैंक इन 10 आवर्स एंड 16 आवर्स रिस्पेक्टिवली, अ थर्ड पाइप कैन एम्प्टी द टैंक इन 32 आवर्स, इफ ऑल द थ्री पाइप्स आर ओपन्ड साइमल्टेनियसली देन इन हाउ मच टाइम द टैंक विल बी फुल। ठीक है, 10 आवर लेट कर लेते हैं, ये 10 ए है, ये बी है एंड ये सी, एम्प्टी टैंक सी, ए 10 आवर, बी 16 आवर एंड सी जो एम्प्टी टैंक है 32 आवर, माइनस इस डिवाइड कर लेते हैं, टोटल एलसीएम इज, एलसीएम हम यहां पर ऐसा लेट करते हैं या तो एक्चुअल एलसीएम हो या मल्टीपल ऑफ एलसीएम भी हो सकता है आपका, तो 160 हमने यहां पर लेट कर लिया, 6 टाइम्स एफिशिएंसी हो जाएगा एंड ये टाइम है एंड 10 टाइम्स एंड 32 5 टाइम्स, बट ये आउटलेट पाइप यानी एम्प्टी पाइप है तो हम इसको माइनस से डिनोट कर लेते हैं। जब ऑल द थ्री पाइप्स आर ओपन साइमल्टेनियसली, सभी जो है साथ में वर्क करते हैं, यानी 6 प्लस 10 16 से फिल करेंगे एंड माइनस 5 से एम्प्टी करेंगे, सो 16 माइनस 5 इज इक्वल टू 6, यहां पर नहीं होगा 16 होगा, तो 16 एंड 10 26, 26 माइनस 5 21 टोटल एफिशिएंसी हो गई, ए प्लस बी माइनस सी की टोटल एफिशिएंसी 21, टोटल वर्क इज 160 एंड 21 टोटल एफिशिएंसी से डिवाइड कर देंगे तो टाइम जो निकल कर आएगा, टाइम इज इक्वल टू 7 टाइम्स 147 एंड 13 टोटल इतना आवर, टोटल टाइम 7:13/21 आवर। सो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट फॉर क्वेश्चन नंबर 8। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 इज थ्री फिलिंग पाइप्स पी क्यू आर कैन फिल एंड एम्प्टी टैंक 16 आवर 24 आवर एंड 32 आवर। पी क्यू आर 16 आवर 24 आवर एंड 32 आवर, दिस इज द टाइम। दे स्टार्ट फिलिंग टूगेदर द टैंक आफ्टर 4 आवर्स, पाइप आर गेट क्लोज एंड अदर टू पाइप्स कंटिन्यू फिल द टैंक, व्हाट इज द टोटल टाइम द टैंक विल बी फिल्ड। ठीक है, टोटल इफिशियंट टोटल कैपेसिटी ऑफ द टैंक इज एलसीएम ऑफ दिस पी क्यू आर, एलसीएम ऑफ दिस पी क्यू आर और मल्टीपल ऑफ द एलसीएम। सो 16, 24 एंड 36 का मल्टीपल या एलसीएम ऑफ दिस पी क्यू आर 96। सो एफिशिएंसी ऑफ द पी इज 6 एंड क्यू की एफिशिएंसी
4 and arc efficiency 3. So total efficiency P plus Q plus R is equal to 13. But they start filling together the tank after 4 hours. 4 hours pipe get closed. Yani ki start se hi. अगर लास्ट से बोलते हैं तो हम उसको जबरदस्ती में से वर्क करा लेते हैं, जैसे ऊपर क्वेश्चन किया था, बट स्टार्ट में इसको बंद कर दिया गया, स्टार्ट के 4 आवर बाद से इसको बंद कर दिया गया, तो यानी कि 6 पी क्यू एंड आर इन्होंने 4 आवर तक साथ में वर्क किया होगा, यानी कि 3 टोटल कैपेसिटी ऑफ पी क्यू आर इज 30 एंड 4 आवर तक वर्क किया, टोटल कितना वर्क कर गया 4 मिनट तक, 4 आवर तक 52 मिनट वर्क कर गया, बट टोटल कैपेसिटी ऑफ टैंक इज 96 एंड 52 वर्क उन्होंने कर लिया, यानी 96 रिमेनिंग, 96 माइनस 52 इक्वल टू 44 रिमेनिंग वर्क बचा है, जिसमें आर जो है वो तो क्लोज हो चुका, तो अब रिमेनिंग वर्क पी एंड क्यू कंप्लीट करेंगे, रिमेनिंग वर्क पी एंड क्यू कंप्लीट करने के लिए इतना रिमेनिंग वर्क है और इनकी एफिशिएंसी 6 प्लस 4 10, यानी कि टोटल 4.4 आवर वर्क करेंगे कौन, पी प्लस क्यू, बट पूछा गया व्हाट इज द टोटल टाइम, टोटल टाइम पूछा गया, यानी कि 4.4 तो ये वर्क किया और 4 मिनट पहले वर्क कर गए थे, तो टोटल 8.4 आवर वर्क किया गया, सो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट फॉर क्वेश्चन नंबर 9। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 10 इज टू पाइप्स कैन फिल अ टैंक 15 आवर्स एंड 20 आवर्स रिस्पेक्टिवली व्हाइल द थर्ड पाइप्स कैन एम्प्टी इन 30 आवर्स। If all the pipes are opened simultaneously, the empty tank will be filled in. Empty tank जो कितनी देर में भर जाएगा? 15 hours, 20 hours and while the third pipe can empty, यानी empty pipe 30 है. Total LCM 60, 4, 3 and 2. ये एम्प्टी कर रहा है, इतनी एफिशिएंसी से एम्प्टी कर रहा है, यानी 4 एंड 3 7 एम्प्टी से फिल करेंगे और इतनी एफिशिएंसी से खाली होगा, यानी टोटल 5 यूनिट या एफिशिएंसी से पानी जो है वो टैंक में फिल हो रहा है, तो टोटल सभी लोग जब ऑल द पाइप आर ओपन, यानी कि 60 टोटल एफिशिएंसी ए प्लस बी माइनस सी इक्वल टू 60 अपॉन 5, यहां से 12 आवर्स, सो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट फॉर क्वेश्चन नंबर 10। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 11। टू फिलिंग पाइप्स ए एंड बी कैन फिल अ टैंक सेपरेटली विद द रेट ऑफ 50 मीटर क्यूब पर मिनट, ए and 70 meter per cube per minute B respectively. There is a leakage in the bottom of the tank which working efficiency is 30% less than the efficiency of pipe A. If capacity of the tank is 7000 meter cube, then in how much time the tank will be filled if all the three, both filling pipes and leak, start performing simultaneously. So A, ये जो given है, efficiency given है, क्योंकि 50 meter per cube minute से fill कर रहे हैं, rate given है ना, यानी कि efficiency. So A की efficiency 50 है, and B की efficiency 70, and C की efficiency यहाँ से निकालनी पड़ेगी, C की efficiency यानी empty pipe या leak pipe को minus denote कर देते हैं. So यहाँ से 30% less than the efficiency of A, यानी A की efficiency इतनी है, 30% less than है, यानी कि 70%, तो 70% यहाँ से efficiency कितनी आ गई, 35
sneak efficiency 35, यानी 35 से empty pipe leak pipe है, so minus minus से work कर रहा होगा। यहाँ पर clearly हम लिख लेते हैं A, B and C, A की efficiency 50, B की efficiency 70 and C की efficiency 35 minus का। If the capacity of the tank is 7000, capacity of the tank is 7000 and then how much time? Time हमें find करना है, तो time हम कैसे निकलते हैं? जितना हमें work करना होता है और जितनी की efficiency होती है को divide कर देते हैं। तो 50 and 70, 120 minus 35 minus 120 minus 30 minus 35 is equal to 85. So time taken, time is equal to upon 85. अब ये क्या था? Rate जो था minute में given था, minute में given है, तो ये भी जो हमारा आया है ये answer minute में है, but option पे अगर हम देखें तो hour में options given है, so hour में change करते हैं 85 into 1 by 60 hour. अब यहाँ से इसको solve करते हैं, एंड इसको अगर 100 से डिवाइड कर लेते हैं, यानी कि अगर इसको ऐसे लिख दें 70 into 100, तो 20 हो जाएगा एंड 30 ये हो जाएगा, यानी कि 70 by 3 into 51 hour. वी कैन से 17 by 51 hour. So this is the answer. So option number B is correct for question number 11. Now next question is question number 12. Question number 12 is, there is a hole in a water tank which can empty in 8 hours. यानी कि empty कर रहे हैं. A pipe is open which fills 6 liter water per minute in the tank. 6 liter water per minute में ये tank को fill कर रहा है. And now tank is emptied in 12 hours. लेकिन उसके बाद भी जो tank जो है वो 12 hours में empty रहता है. What is the capacity of the tank? Total capacity of the tank पूछा गया है. So A हम लेट कर लेते हैं, ये A है. ये 8 आवर में एम्प्टी कर रहा है, फिर बोला गया एक पाइप, एक दूसरा पाइप है, एक दूसरा पाइप यानी हम रेड कर लेते हैं बी है, ओपन करते हैं और वो 6 लीटर वाटर पर मिनट से पानी टैंक में डाल रहा है. इसके बाद जो है टैंक वो खाली हो जाता है 12 आवर पर मिनट में, यानी कि हम जो इनलेट पाइप है लेट किया है बी एंड आउटलेट पाइप ए, दोनों में वर्क कर रहे हैं साथ में, ए जो एम्प्टी है, उसके बाद जो है पाइप 12 आवर में खाली हो जाता है, यानी 12 आवर में. तो टोटल कैपेसिटी ऑफ द टैंक इज 24 एंड माइनस 3 एफिशिएंसी भी निकालने की ए की, एंड बी और ए जब दोनों साथ में वर्क कर रहे हैं तो इनकी एफिशिएंसी माइनस 2 हो गई. यानी कि हम कह सकते हैं कि जब ए अकेले पाइप खाली कर रहा था तो 3 की स्पीड से खाली कर रहा था, बट जब बी और ए दोनों साथ में वर्क करने लगे तो उसकी एक एफिशिएंसी कम हो गई, यानी कि 2 की एफिशिएंसी से अब पानी कम बाहर निकाल रहा है. 2 की एफिशिएंसी, पहले 3 निकाल रहा था अब 2 निकाल रहा है, यानी एक पानी, एक यूनिट पानी अब वो कम निकाल रहा है, यानी कि हम बोल सकते हैं बी की एफिशिएंसी क्या हो जाएगी, 1. बी की एफिशिएंसी 1 है, यानी बी जो है 24 टोटल जो वर्क था बाय 124 आवर में फिल कर दे रहा है, बट इतने आवर फिल करता और इसका जो रेट था वो 6 लीटर पर वाटर था, 6 लीटर पर वाटर पर मिनट था. सो 24 आवर को हम चेंज कर लेते हैं मिनट में, 60 एंड 6 लीटर वाटर पर मिनट है, ये हो जाएगा. इन सबका मल्टीप्लाई कर लेते हैं,
24 into 360, so सॉल्व करते हैं तो 8640 लीटर आंसर हो जाएगा हमारा। तो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट फॉर क्वेश्चन नंबर 12। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 13। फाइंड द अप्रोक्सीमेट वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चंस। तो अप्रोक्सीमेट हमें वैल्यू फाइंड करनी है 180% ऑफ 25501। इसको हम लेट कर लेते हैं 25500, सो 100 से 100 कैंसिल हो जाएगा, 100 से 100 कैंसिल हो जाएगा, यानी क्या बचेगा 255 into 180 प्लस 50% को 1/2 बोलते हैं, सो 1/2 into 29000। अब 255 को 180 में मल्टीप्लाई करते हैं, सो 255 को पहले 100 में मल्टीप्लाई करते हैं, 255 को 100 मल्टीप्लाई करने पर कितना जाएगा प्लस 255 को 80 में मल्टीप्लाई करते हैं या 8 में मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो 8 में मल्टीप्लाई करने पर 8 5 40 एंड 4 कैरी, सो 4 कैरी हुआ था एंड 8 2 16 एंड 4 20 और एक 0 80 था इसलिए 0 में यहां पर और ऐड कर दिया एंड इसका हाफ कितना हो जाएगा 10500। हम सभी को ऐड कर लेते हैं, इसको ऐड करने पर 009 and 54, इसको ऐड करने पर ये n प्लस 14500। यहां से सॉल्व किया 009540 and 10 415 and 60400। सो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट फॉर क्वेश्चन नंबर 13। Now next question is question number 14. Question number 14 is 171, इसको हम लेट कर लेते हैं 172 into 15 divided by 25 divided by 25, तो ये हो जाएगा 172 into 3 by 5, इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं 516/5। अब डिवाइड करते हैं 1 0 and 3 3 point something आएगा, तो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट फॉर क्वेश्चन नंबर 14। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज 15 एंड दिस इज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस क्विज। 175 into 28 plus 270.98 को हम लिख सकते हैं 28। तो 28 को अगर हम कैंसिल कर लें, कैंसिल करें कॉमन ले लें, 175 plus 275 is equal to x, तो 28 into ऐड करने पर 450 is equal to x। यहां से 450 को 20 से अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो इतना एंड 450 को 8 से मल्टीप्लाई करते हैं तो x की वैल्यू 0 0 6 and 9 and 3 12। तो x की वैल्यू यहां से आएगी, सो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट फॉर क्वेश्चन नंबर 15। दिस वाज द लास्ट क्वेश्चन, सीधे वीडियो को एंड करते हैं। थैंक यू क्लासेस। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करेंगे डे 16 ऑफ IBPS एग्जाम 2019 इंग्लिश लैंग्वेज क्विज। आज का जो हमारा क्विज है दैट इज बेस्ड ऑन फिलर्स। फिलर्स तो हम सबको पता है कि बहुत कॉमन पैटर्न है जो IBPS एग्जाम में फॉलो होता है, बट ये एक नए तरह का पैटर्न है फिलर्स के ही अंदर, जो IBPS क्लर्क मेंस में इस साल आया और 20 जनवरी 2019। जो ये है फिलर्स, ये अलग तरह के फिलर्स हैं, ये सॉरी ये कॉलम बेस्ड फिलर्स हैं। इसमें हमारे पास इसका मीनिंग ये है
कि आपको एक सेंटेंस गिवन है, सेंटेंस में दो ब्लैंक्स होंगे सपोज, और ऑप्शंस में आपके पास आपके पास दो कॉलम्स हैं, कॉलम वन एंड टू, ए बी सी एंड डी ई एफ, आपके पास तीन ऑप्शंस हैं। आपको जो फर्स्ट ब्लैंक है उसका आंसर आपको कॉलम वन से लेना है, और उसका आंसर जो सेकंड ब्लैंक है उसका आंसर आपको कॉलम टू से लेना है। तो ज़्यादा डिफिकल्ट पैटर्न नहीं है फॉलो करने के लिए, बस थोड़ा उसको हल्का सा टफ बनाया गया है कंफ्यूज करने के लिए, बट कॉलम बेस्ड फॉर्म है। बस आपको फर्स्ट ब्लैंक का आंसर कॉलम वन से लेना है और सेकंड ब्लैंक का आंसर आपको कॉलम टू से लेना है। तो स्टार्ट करते हैं हमारा क्वेश्चन, डायरेक्शंस पढ़ लेते हैं पहले। Question number 1 to 15, directions. In the questions given below, each a sentence is given with two blanks in each. Corresponding to each question, two columns are given with three words in each column. Which combination of words from the two columns will perfectly fit into the blanks to make the sentence contextually correct and meaningful? Question number 1. I dashed this statement of considerable importance. It sets the background against which it is dashed to consider the issues in the case. The column 1 hai, column 2 hai. Column 1 ke options hai, regard, reckon, mitigate. To agar hum dekhen, I dashed this statement. To yahan par aap consider kar rahe hain. Matlab aap kisi cheez ko dhyan mein rakh rahe hain, to regard theek hai, reckon theek hai, mitigate nahi hai. Mitigate matlab alter karna. To mitigate wrong hai, par regard aur reckon yahan par theek hai. This statement of considerable importance sets the background against which is dashed to consider. मतलब किसी चीज़ की importance तो pertinent सही है, crucial again सही है, superfluous गलत होगा। तो अगर हम देखें तो column 1 से आप A B जो कि B part में है, A B और ED, मतलब आप A को D के साथ भी पेयर करेंगे तो ठीक आएगा, A को आप E के साथ भी पेयर करेंगे तो ठीक आएगा, तो AE AD, फिर B को भी अगर आप D के साथ पेयर करेंगे तो सेंटेंस ठीक होगा, और B को भी अगर आप E के साथ पेयर करेंगे तो सेंटेंस ठीक हो जाएगा। तो आंसर इज Question number 2. I am now well into my third month of unpaid holiday and beginning to entertain the dash suggestion of an idea of a dash that I could get used to this. Column 1 and column 2. अगर हम देखें, I am now well into my third month of unpaid holiday and beginning to entertain the dash suggestion. तो first blank का answer हमें column 1 से लेना है, merist, merist यहाँ ठीक है, harmless, harmless suggestion गलत है, trifling, trifling again word सही fill होगा इधर, तो A और C, ये दोनों वर्ड ठीक फिल होंगे फर्स्ट ब्लैंक में। सजेशन ऑफ एन आइडिया ऑफ अ डैश दैट आई कुड गेट यूज्ड टू दिस, तो आप यहाँ पर किसी आइडिया की बात कर रहे हैं कि आपको यहाँ डाउट हो रहा है, तो कॉलम टू सस्पिशन, सस्पिशन है, डाउट है सही है, लाफ्टर गलत है, लाइकिंग गलत है, तो डी, डी ए के साथ भी सही बैठेगा, डी सी के साथ भी सही बैठेगा, तो आंसर इज ई। तो इस क्वेश्चन का आंसर है ई। क्वेश्चन नंबर 3, डैश वॉलंटियर्स डैश द मेंबर्स विद गेम्स ऑफ कार्ड्स एंड बिंगो
while some just meet for a chat and a cup of tea. The column one, supplied, galat hai. Made volunteers, galat hai. Dedicated, yes. C, volunteers dash, gainsay ka matlab kuch aur hota hai. Gainsay ka matlab hota hai, conspicuously kuch kar rahe hai. To ye galat hai. Entertain, volunteers. यहाँ पर अगर हम देखें तो volunteers का use yes entertain के लिए हो रहा है तो सही है. Fascinate again किसी को attract करना, क्योंकि यहाँ पर आप members को attract कर रहे हैं तो सही है. तो C E के साथ भी pair होगा तो ठीक होगा और C F के साथ भी pair होगा तो ठीक होगा. तो answer is B. Question number 4, her dash brought its reward with the number of junior tournament dash. Aberration, गलत है. Determination, yes, determination की यहाँ बात हुई है तो ये सही है. With the number of junior tournament, expectation, गलत है. तो B pairing सही है. Predilection, गलत है. Proclivity भी गलत है. Victories, yes, सही है. Answer is F. Question number 5, the main reason we have a hard time dash these scenarios isn't just that the technical problems are dash. The main reason we have a hard time imagining these scenarios, imagining, sahi hai yahan par, ki aap imagine bhi kar sakte hain, aap envisage ya aap expect bhi kar sakte hain, to sahi hai. Exasperating, galat hai. Envisaging, again same meaning hold karta hai, to sahi hai. These scenarios isn't just that the technical problems are dash. Glutting, galat hai. Intimidating, yes. Aapko dara raha hai ya aapko influence kar raha hai, to sahi hai. Daunting, again sahi hai yahan par. To A ki pairing agar aap E ke saath karenge to bhi sahi hai. A ki pairing aap F ke saath karenge to bhi sahi hai. Again C ki pairing aap इन दोनों के साथ करेंगे तो भी सही है. तो चारों ऑप्शन सही है. तो आंसर इज सी. द किसान सम्मान निधि योजना डैश लैंड ओनिंग फार्मर्स व्हेन इट इज एक्चुअली लैंडलेस लेबरर्स एंड टेनेंट फार्मर्स हु आर एक्सपीरियंसिंग रूरल डिस्ट्रेस मोर. तो यहाँ पर किसान समिधि निधि योजना की उसकी डेडिकेशन या वो किस चीज के लिए रिस्ट्रिक्टेड है उसकी बात कर रहे हैं. बट हम यहाँ पर ये भी बता रहे हैं कि वो गलत चीज के लिए यूज हो रही है, उसको इस चीज के लिए यूज होना चाहिए. टारगेट्स सही है. सिलेक्टिंग गलत है. प्रिटेंड गलत है. तो ए की पेयरिंग देखते हैं किसके साथ हो सकती है. लैंड Actually, landless laborers and tenant farmers who are experiencing rural distress more severely, yes. Minimum, no. Acutely, yes. So, A ki pairing B ke saath bhi ho sakti hai. A ki pairing F ke saath bhi ho sakti hai. Answer is C. The Election Commission on Tuesday dashed the Madras High Court that it had made its clear way back in 2017 that there shall be 100% use of the voter verifiable paper audit trail VVPAT system during the Lok Sabha election this year to gain voter dash. Assume, galat hai. Informed, sahi hai. Performed, galat hai. Column 2, second blank. Prejudice, galat hai. Confidence, सही है, क्योंकि यहाँ आप कॉन्फिडेंस दे रहे हैं. रिजल्टेंट गलत है. तो बी की पेयरिंग ई के साथ. आंसर बी. ऑन मंडे द सेंटर हैज हैड सेट अप अ फाइव मेंबर वर्किंग कमिटी डैश इनटू रिवाइजिंग द नॉर्म्स ऑफ द एंजल टैक्स डैश ऑन स्टार्टअप्स. पीपिंग पीपिंग गलत है. पीप नहीं कर रहे हैं आप. कंट्रोलिंग गलत है. लुक यस. इम्पोज्ड
yes. Culminate, no. Curve, no. So answer is CD. Question number 9. The angel tax, which was first introduced in 2012 to curb money laundering, dashed the sale of shares of private unlisted companies at bloated prices, has caused a lot of dash among startup investors in the country. The first wale ke liye column 1, at money laundering at the sale of shares, galat hai. True, yes, sahi hai. In spite, no. Anguish, lot of anguish among. So, ye sahi hai. Freedom, no. Bewilder, no. So answer is A. Question number 10. In trying to curb money laundering, section 56.2.6b, the 7b of the Indian Income Tax Act 1961 gives income tax officials a free hand to dash even genuine startups looking to raise investments for their dash. Vexing. गलत है, harass, yes, आप harassment की आवाज़ हो रही है, तो ठीक है, worried, no, even genuine, for their profitable, no, profit होता तो ठीक होता, develop, no, growth, yes, answer is BF. The newly released World Economic Situation and Prospects for 2019, dash how rising economic, social and environmental challenges dash progress towards the United Nations Sustainable Development Goals. Blank 1 and blank 2. Illustrates. Show kar raha hai, yes. Explains. Sahi hai. Showing nahi. Showing nahi aayega idhar. Show hota to theek hota. Challenges grammatically galat hai. Hinder sahi hai. Hamper sahi hai. Galat hai. To A ko agar aap D ke saath karenge to bhi sahi hai. A ko aap E ke saath karenge to bhi sahi hai. A ko D ke saath to bhi sahi hai. Answer is C. Question number 12. Given rapid population growth, the fight dash poverty will require faster economic growth and dramatic reductions dash income equality inequality. Poverty, the fight against, kyunki yahan par in poverty nahi hoga, beside poverty nahi hoga, against, theek hai, C. Reductions dash income equality. So yahan with income equality nahi hoga, for, theek hai, in galat hai. E. Sorry. Reductions in income equality hoga, for nahi hoga. Answer is F. Answer is D. Despite investors becoming dash of the food tech sector, top companies including Zomato and Swiggy have been dash continuous rounds of capital to win share in a cutthroat market. Becoming dash of the food tech sector, very, care, galat, very, yes, attention, no. Been dash continuous, reduce, no, visiting, no, raising, yes. Answer is E. A universal basic income provides a monthly, yes, presume, no, gulf, no, that would dash that a person would be above the poverty line without any other source of income. D, no. Embolden, no. Ensure, yes. Answer is A. The term universal is meant to dash that the minimum or basic income will be provided to everyone irrespective of dash their current income is. The term universal is meant to dash. Suggestion, no. Connote, yes. Significance, no.
that the minimum basic income will be provided to every irrespective of dash their current income is whatever, whichever, no, whatever, yes, however, no. Answer is B, E. Answer is B. So guys, ye tha hamara discussion for the new pattern. New pattern of Mari, new pattern of IBPS clerk mains mein jo pattern aaya tha column based fillers ka, uska ye new pattern discussion tha for IBPS exams ke liye. Aur hamari SBI PO Prime 2019 ki test series bhi chal rahi hai video solution ke saath. आप स्टोर पे जाके उसको चेकआउट कर सकते हैं. थैंक यू. वेलकम टू बैंकर्सडा. टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस रीजनिंग क्विज फॉर आईबीपीएस एग्जाम 2019 6 फरवरी. सो टुडे इज डेट डे 16 ऑफ कर आईबीपीएस 2019 फतेह. सो नाउ मूव टू क्वेश्चन नंबर फर्स्ट. डायरेक्शन 1 टू 2. स्टडी द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन टू आंसर द गिवन क्वेश्चंस. A person starts walking from point X towards east direction. जैसे कि जो हमारे following question है आज के सारे वो direction sense पे based है. तो जो हमारा question number first है उसके अंदर हमें direction given है कि a person है जो start walking करता है point X से. X से start करता है और वो फिर east direction में जाता है. Then उसके बाद हमें given है after walking 5 kilometer he turns to, यानी वो x से 5 किलोमीटर ईस्ट जाता है. उसके बाद ही टर्न्स टू द लेफ्ट एंड वॉक्स 3 किलोमीटर. उसके बाद वो लेफ्ट टर्न लेके 3 किलोमीटर वॉक करता है. देन आफ्टर दैट फ्रॉम देयर ही टर्न्स टू द राइट एंड वॉक्स 4 किलोमीटर. उसके बाद वो 4 किलोमीटर वॉक करता है. देन उसके बाद गिवन है हमें देयर आफ्टर ही टर्न्स टू द राइट एंड वॉक्स 7 किलोमीटर. उसके बाद वो 7 किलोमीटर वॉक करता है. देन इसमें लास्ट में गिवन है हमें देन ही टर्न्स टू द राइट एंड वॉक्स 12 किलोमीटर एंड स्टॉप एट पॉइंट वाई. ये हमारी फाइनल फिगर बनेगी. इसके बाद जो हमें क्वेश्चन गिवन है, क्वेश्चन में हमें इसमें पूछा है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में इफ पॉइंट जेड इज 4 किलोमीटर टू द नॉर्थ ऑफ पॉइंट वाई. अगर पॉइंट जेड 4 किलोमीटर नॉर्थ हो पॉइंट वाई से, तो अगर हम देखें तो जो ये जेड और एक्स है ये एक लाइन में आ जाएंगे और इनके जो डिस्टेंस होगा 5, 4, 9, 12 - 9 3 किलोमीटर का दोनों के बीच में जो डिस्टेंस रहेगा. तो इसके बाद हमें इसमें गिवन है देन व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन जेड एंड पॉइंट एक्स. जेड और पॉइंट एक्स का डिस्टेंस ही बताना था. तो जो हमने कैलकुलेट कर लिया 12 - 5 - 4 दैट इज 3 किलोमीटर. तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी 3 किलोमीटर. देन इसके बाद सीखिए ऊपर हमारे को सेकंड क्वेश्चन गिवन है. सेकंड क्वेश्चन में हमारे से पूछा इन्होंने हाउ फार शॉर्टर डिस्टेंस एंड इन विच डायरेक्शन इज पॉइंट एक्स विद रिस्पेक्ट टू वाई. अगर हम देखें जो एक्स है वाई के रिस्पेक्ट में वो नॉर्थ ईस्ट है. तो या तो देखो ऑप्शन बी होगा या सी होगा. देन शॉर्टेस्ट डिस्टेंस भी पूछा है तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस इसके बीच में होगा. शॉर्टेस्ट डिस्टेंस के लिए हम इसमें पाइथागोरस लगाएंगे. एक्स वाई का अगर हम निकालें तो 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर. तो जो इसका शॉर्टेस्ट डिस्टेंस आएगा वो आएगा 25 अंडर रूट 25 तो 5 किलोमीटर इन दोनों के बीच में शॉर्टेस्ट डिस्टेंस आएगा. तो जो ऑप्शन सी है 5 किलोमीटर नॉर्थ ईस्ट इसका राइट आंसर होगा. नाउ मूव टू थर्ड क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर थर्ड में हमें गिवन है ए इज 1 मीटर वेस्ट टू डी. जो ए है वो 1 मीटर वेस्ट है डी के. देन उसके बाद हमें गिवन है एफ. एफ इज 5 मीटर साउथ टू ई. जो एफ है वो 5 मीटर साउथ टू ई है. देन इसके बाद हमें गिवन है बी इज 2 मीटर नॉर्थ टू डी. जो बी है वो 2 मीटर नॉर्थ टू डी है. विच इज 4 किलोमीटर नॉर्थ टू सी. जो डी है वो 4 किलोमीटर
फोर मीटर नो टू सी है, इसमें जो सारे यूनिट्स है वो हमारे को मीटर में है, देन इसके बाद हमें गिवन है ई इज 3 किलोमीटर ईज टू बी। अगर ई 3 किलोमीटर ईज टू बी है तो ई हमारे यहाँ पे आएगा और इन दोनों के बीच में डिस्टेंस होगा 3 मीटर। देन इसके बाद गिवन है हमें इन, इसके बाद इन्होंने हमसे पूछा है क्वेश्चन में इन विच डायरेक्शन इज पॉइंट एफ विद रिस्पेक्ट टू ए, तो एफ हमारा 5 मीटर साउथ ऑफ एफ था, तो डायरेक्ट हमारे को इसके डायरेक्शन का है इन विच डायरेक्शन इज पॉइंट एफ विद रिस्पेक्ट टू ए, तो जो एफ होगा वो ए के साउथ ईस्ट में होगा, तो जो इसका राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी साउथ ईस्ट। देन इसके बाद क्वेश्चन फोर में देखते हैं, क्वेश्चन नंबर फोर में हमारे को गिवन है मनु स्टार्ट्स वॉकिंग फ्रॉम पॉइंट एक्स, मनु पॉइंट एक्स से मूव करता है फोर किलोमीटर, वो 4 किलोमीटर मूव करता है पॉइंट एक्स से, तो अगर हम देखें कि अगर नॉर्थ में अगर कंसिडर करेंगे वो फेसिंग नॉर्थ है, तो अभी हमें कोई डायरेक्शन गिवन नहीं है कि वो नॉर्थ फेस कर रहा है या ईस्ट फेस कर रहा है, हमें सीधा गिवन है कि वो पॉइंट एक्स से 4 किलोमीटर मूव करता है, अगर वो 4 किलोमीटर मूव करेगा तो वो यहाँ आ जाएगा। देन इसके बाद हमें गिवन है देन टेक्स अ लेफ्ट टर्न एंड वॉक्स 5 किलोमीटर, उसके बाद वो 5 किलोमीटर लेफ्ट वॉक करता है, he then takes a right turn and after walking 6 किलोमीटर, पहले 6 किलोमीटर वॉक करता है उसके बाद वो लेफ्ट टर्न लेता है एंड लेफ्ट टर्न के बाद वो 7 किलोमीटर वॉक करता है, तो ये 7 किलोमीटर हो जाएगा। इसके बाद गिवन है इसमें बिफोर रीचिंग पॉइंट वाई, बिफोर रीचिंग पॉइंट वाई ही टेक्स अ लेफ्ट टर्न एंड वॉक्स 8 किलोमीटर, वो लेफ्ट टर्न लेता है और 8 किलोमीटर चलते हैं एंड फाइनली आर राइट टर्न, उसके बाद वो राइट टर्न लेते हैं एंड वॉक्स 9 किलोमीटर, तो उसके बाद वो 9 किलोमीटर वॉक करता है, तो यहाँ पे वो पॉइंट वाई पे रीच कर जाता है। इफ फाइनली एट पॉइंट वाई ही फेसेस वेस्ट डायरेक्शन, अगर वो पॉइंट वाई पे फेस वेस्ट डायरेक्शन करता है, तो यहाँ पे हमें एक छोटा सा डायरेक्शन का कंपास बना देते हैं जिससे हमारे डायरेक्शन का पता चल जाएगा, तो इसके बाद वो फेस कर रहा है वेस्ट डायरेक्शन में, तो इसके बाद हमारे से पूछा है देन विच डायरेक्शन वाज मनु इनिशियली फेसिंग, तो इनिशियली पूछा है, तो इनिशियली अगर हम देखें तो इनिशियली मनु नॉर्थ फेस कर रहा होगा, सो जो इसका राइट आंसर होगा वो होगा नॉर्थ ऑप्शन डी। नाउ मूव टू क्वेश्चन नंबर फाइव, क्वेश्चन नंबर फाइव में हमें गिवन है पॉइंट पी, पॉइंट पी गिवन है, पॉइंट पी इज 5 किलोमीटर टू द वेस्ट ऑफ पॉइंट आर, जो पी है वो 5 किलोमीटर वेस्ट है पॉइंट आर के, देन इसके बाद हमें गिवन है पॉइंट आर इज 4 किलोमीटर साउथ ऑफ पॉइंट क्यू, तो जो पॉइंट आर है वो 4 किलोमीटर साउथ ऑफ पॉइंट क्यू है एंड पॉइंट एस इज 3 किलोमीटर ईस्ट ऑफ पॉइंट क्यू, जो पॉइंट एस है वो 3 किलोमीटर ईस्ट ऑफ पॉइंट क्यू है। देन पॉइंट टी इज इन वेस्ट ऑफ पॉइंट एस, तो अगर पॉइंट टी वेस्ट ऑफ एस है तो टी कहीं भी हो सकता है, यहां पे भी हो सकता है, यहां पे भी हो सकता है और यहां पे भी हो सकता है, तो टी का भी इसमें कोई फिक्स हमें एग्जैक्ट पॉइंट पता नहीं है। तो क्वेश्चन नंबर फाइव में इसमें गिवन है हमें इफ पॉइंट क्यू इज एज फार एज फ्रॉम पॉइंट टी एज फार एज पॉइंट एस, तो जो अगर इसमें हमारे को ये गिवन है कि जो क्यू है वो मिड पॉइंट है एस और टी का, अगर मिड पॉइंट है एस और टी का तो क्यू और टी के बीच में भी डिस्टेंस होगा 3 किलोमीटर का, तो इसमें हमारे टी के डिस्टेंस पता चल जाएगा और टी की एग्जैक्ट पॉइंट भी पता चल जाएगा कि टी वेस्ट ऑफ क्यू है। देन इसके बाद हमारे से पूछा है देन पॉइंट टी इज इन विच डायरेक्शन फ्रॉम पॉइंट पी, तो इसके बाद हमें डायरेक्ट दिख रहा है कि जो जो पॉइंट टी है वो नॉर्थ ईस्ट ऑफ पॉइंट पी है,
तो जो इसका राइट आंसर होगा क्वेश्चन नंबर फिफ्थ का वो होगा ऑप्शन सी नॉर्थ ईस्ट। नाउ मूव टू क्वेश्चन नंबर सिक्स। क्वेश्चन नंबर सिक्स में हमारे से पूछा है व्हाट विल बी द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट पी एंड पॉइंट एस। पी और एस के बीच का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बताना है, तो बाय यूजिंग पाइथागोरस भी हम इसका निकाल देंगे, तो इसका जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकलेगा वो पी आर प्लस क्यू एस। तो पी आर है हमारा 5 किलोमीटर, क्यू एस है 3 किलोमीटर, तो 8th का स्क्वायर प्लस जो इसमें हाइट है वो है 4 किलोमीटर, तो 4 का स्क्वायर। तो अंडर रूट 100 किलोमीटर आएगा, तो रूट के बाहर आगे वो 10 किलोमीटर हो जाएगा। तो जो इसका राइट आंसर, तो इसके बाद हमारे को ये निकालना है, तो जो हमारे इसमें जो राइट एंगल ट्रायंगल बनेगा वो ऐसे बनेगा, और हमें पी और एस का डिस्टेंस बताना है। तो जो ये एस और एस डैश का जो इसमें डिस्टेंस होगा वो है 4 किलोमीटर का, और जो पी आर और पी और एस डैश का डिस्टेंस है वो है 8 किलोमीटर का। तो 8 का स्क्वायर होगा 64 और 4 का हुआ 16। तो जो इसका राइट आंसर होगा वो होगा अंडर रूट 80। तो जो ऑप्शन सी है अंडर रूट 80 किलोमीटर वो इसका राइट आंसर होगा। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर सेवन। क्वेश्चन राम इज स्टैंडिंग एट अ डिस्टेंस ऑफ 5 मीटर ईस्ट टू शाम। जो राम है, राम और शाम के बीच के जो डिस्टेंस है वो 5 मीटर का है। फाइव मीटर ईस्ट ऑफ शाम, तो ये दोनों इनकी इनिशियल पोजीशन हो जाएगी। उसके बाद इसमें गिवन है बोथ ऑफ देम स्टार्टेड वॉकिंग 5 मीटर इन नॉर्थ डायरेक्शन। दोनों स्टार्टिंग में 5 मीटर नॉर्थ में गए। देन उसके बाद गिवन है हमें देन राम टेक्स 3 कंसेक्यूटिव लेफ्ट टर्न। अगर राम 3 कंसेक्यूटिव लेफ्ट टर्न लेगा एंड वॉक्स डिस्टेंस 5, 3, 2 मीटर रिस्पेक्टिवली, तो पहले तो वो 5 किलोमीटर 5 मीटर जाएगा, देन उसके बाद वो 3 मीटर जाएगा, देन उसके बाद वो लास्ट में 2 मीटर जाएगा। तो उसकी राम की ये फाइनल पोजीशन हो जाएगी। एंड ऐसे ही अगर हम देखें, इसके बाद हमें गिवन है एंड शाम टेक्स 3 कंसेक्यूटिव राइट टर्न। तो शाम 3 कंसेक्यूटिव राइट टर्न ले रहा है यहां से, तो पहले तो एंड वॉक डिस्टेंस 5, 3 एंड 2 रिस्पेक्टिवली, तो पहले वो 5 मीटर जाएगा, देन उसके बाद अनदर राइट टर्न लेगा और 3 किलोमीटर जाएगा, 3 मीटर जाएगा, उसके बाद दोबारा राइट टर्न लेके वो 2 मीटर जाएगा। तो शाम की ये फाइनल पोजीशन आ जाएगी। देन ये हमारा फाइनल डायग्राम आ जाएगा। इसके बाद इन्होंने इसमें क्वेश्चन पूछा इन विच डायरेक्शन एंड एट व्हाट डिस्टेंस इज राम फाइनल पॉइंट विद रिस्पेक्ट टू शाम फाइनल पॉइंट। तो जो राम का राम है वो वेस्ट ऑफ शाम है, और जो इनका बीच का डिस्टेंस है वो हो जाएगा 5 - 2 - 2, डेट इज 1 किलोमीटर, 1 मीटर का। तो जो इसका 7th का राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी वेस्ट 1 मीटर। इसके बाद इसी डायरेक्शन के ऊपर हमारे को एक और क्वेश्चन पूछा है, क्वेश्चन नंबर 8। व्हाट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस एंड इन विच डायरेक्शन राम फाइनल पॉइंट विद रिस्पेक्ट टू शाम इनिशियल पॉइंट। राम का फाइनल पॉइंट से शाम के इनिशियल पॉइंट में बताना है, तो हमें ये डिस्टेंस निकालना है। तो जो इसमें बेस पाइथागोरस के थ्रू हम इसका डिस्टेंस निकाल देंगे, तो जो इसमें बेस की लेंथ हो जाएगी वो हो जाएगी 2 मीटर, और जो हाइट है वो भी इसमें हो जाएगी 2 मीटर। तो अंडर रूट ऑफ 8 आएगा, इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो 2√2 आ जाएगा।
और इसका जो हमारे को डायरेक्शन पूछी है तो राम की डायरेक्शन पूछी है, शाम से, शाम के इनिशियल पॉइंट से, तो राम नॉर्थ ईस्ट है, तो ऑप्शन बी नॉर्थ ईस्ट 2/2 इसका राइट आंसर होगा। नाउ मूव टू क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन डायरेक्शन, इसमें हमें गिवन है स्टडी द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन गिवन बिलो। अ पर्सन स्टार्ट वॉकिंग टुवर्ड नॉर्थ डायरेक्शन, एक पर्सन जो नॉर्थ डायरेक्शन में स्टार्ट करते हैं मूव करना, देन उसके बाद इसमें गिवन है आफ्टर वॉकिंग 5 किलोमीटर, आफ्टर वॉकिंग 5 किलोमीटर ही रीच एट पॉइंट एक्स, 5 किलोमीटर के बाद वो एक्स पॉइंट पे रीच कर जाता है, एंड फ्रॉम देयर ही टेक्स अ राइट टर्न एंड वॉक्स 3 किलोमीटर, उसके बाद वो राइट टर्न लेते हैं और 3 किलोमीटर मूव करता है, देन अगेन टुक अ राइट टर्न एंड वॉक 2 किलोमीटर, उसके बाद गिवन है एंड रीच पॉइंट वाई, वाई पे पॉइंट, वाई पॉइंट पे पहुंच जाता है, फ्रॉम देयर ही टुक अ लेफ्ट टर्न एंड वॉक्स 2 किलोमीटर, उसके बाद वो लेफ्ट टर्न लेके 2 किलोमीटर वॉक करता है, देयर आफ्टर ही टेक्स अ लेफ्ट टर्न एंड वॉक्स 3 किलोमीटर, तो जो फाइनल वो 3 किलोमीटर मूव करता है और रीच पॉइंट जेड, तो ये हमारा फाइनल डायग्राम बन जाएगा इसका। इसके बाद हमारे को क्वेश्चन नंबर 9 है, 9 में इसमें पूछा है हमारे से देन फाइंड आउट द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस एंड डायरेक्शन ऑफ पॉइंट जेड फ्रॉम हिज फर्स्ट टर्निंग पॉइंट, तो जो फर्स्ट टर्निंग पॉइंट है वो एक्स है, तो शॉर्टेस्ट डायरेक्शन, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस पूछा है इसने जेड का फर्स्ट टर्निंग पॉइंट से, तो हमारे को ये वाला डिस्टेंस कैलकुलेट करना है, तो डिस्टेंस कैलकुलेट करने के लिए इसमें भी हम पाइथागोरस लगाएंगे, तो जो इसमें बेस है, बेस की लेंथ हो जाएगी 3 + 2 किलोमीटर, दैट इज 5 का स्क्वायर प्लस 2 1 का स्क्वायर, तो 25 + 1 दैट इज अंडर रूट 26, और इसमें हमारे से डायरेक्शन पूछा था, डायरेक्शन ऑफ पॉइंट जेड फ्रॉम पॉइंट हिज फर्स्ट टर्निंग पॉइंट, तो वो भी नॉर्थ ईस्ट है, तो √26 नॉर्थ ईस्ट, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। नाउ मूव टू क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में उन्होंने हमारे को गिव एक पॉइंट दिया है, इफ अ पॉइंट क्यू इज 5 किलोमीटर टू ईस्ट ऑफ पॉइंट वाई, अगर पॉइंट क्यू 5 किलोमीटर ईस्ट ऑफ पॉइंट वाई है, यानी जो क्यू क्यू है वो यहाँ पे होगा और ये वाली डिस्टेंस 3 है, टोटल 5 है, देन फाइंड आउट द डायरेक्शन ऑफ क्यू विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो क्यू जो हमें साफ दिख रहा है वो साउथ ईस्ट ऑफ एक्स है, तो जो इसका राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी साउथ ईस्ट। नाउ मूव टू क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 में हमें गिवन है अ पर्सन वॉक फॉर 3 किलोमीटर, अ पर्सन वॉक फॉर 3 किलोमीटर देन टेक अ लेफ्ट टर्न डायरेक्शन 11 to 13, इसके बाद हमें गिवन है आ पर्सन वॉक फॉर 3 किलोमीटर देन टुक अ राइट टर्न, राइट टर्न लेने के बाद वॉक 5 किलोमीटर देन टेक अ लेफ्ट टर्न एंड वॉक 4 किलोमीटर, उसके बाद वो दोबारा अगेन टुक अ राइट टर्न एंड वॉक 6 किलोमीटर, ही देन टुक 3 कंजिक्यूटिव लेफ्ट टर्न, यानी 3 कंजिक्यूटिव लेफ्ट टर्न है एंड वॉक 7, 15 एंड 4 किलोमीटर रिस्पेक्टिवली, तो सबसे पहले जब राइट लेगा तो 7 किलोमीटर मूव करेगा, उसके बाद लेफ्ट मूव करेगा दोबारा तो वो 15 किलोमीटर लेगा, देन फाइनल लेफ्ट टर्न मूव करेगा तो वो 4 किलोमीटर मूव करेगा।
इसमें क्वेश्चन नंबर जो 11th है उसमें हमारे को गिवन है, इफ द पर्सन इज नाउ फेसिंग वेस्ट डायरेक्शन, तो अगर ये जो पर्सन है अभी वेस्ट डायरेक्शन फेस कर रहा है, देन इन विच डायरेक्शन डिड ही स्टार्टेड वॉकिंग, तो जो वो स्टार्ट वॉक करेगा वो ईस्ट डायरेक्शन में करेगा, तो क्वेश्चन नंबर 11th का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी ईस्ट डायरेक्शन। देन जो क्वेश्चन नंबर 12 है, क्वेश्चन नंबर 12 में इन्होंने हमारे से पूछा है व्हाट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द इनिशियल पॉइंट एंड फाइनल पॉइंट ऑफ द पर्सन, इनिशियल और फाइनल का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस पूछा है इन्होंने, तो जो इनिशियल और फाइनल का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगा वो हम कैलकुलेट करेंगे, तो जैसे 15 है तो जो इसकी हाइट हम देखेंगे 15 माइनस 5 माइनस 6, तो ये हमारा हो जाएगा 4 किलोमीटर, और जो इसका बेस होगा बेस इसका हो जाएगा 7 प्लस 4 प्लस 3 किलोमीटर, 11, 7 फॉर 11 और 3 14 किलोमीटर। तो 14 का स्क्वायर और 4 का स्क्वायर, तो जो इसका आंसर आएगा वो आएगा 196 प्लस 16, तो अंडर रूट 212 आ जाएगा, जो कि हमारा हो जाएगा इसमें ऑप्शन डी 2√29। नाउ मूव टू क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 में हमारे से पूछा है इन्होंने इन विच डायरेक्शन इज द फाइनल पॉइंट विद रिस्पेक्ट टू द थर्ड टर्निंग पॉइंट, फाइनल पॉइंट पूछा है विद थर्ड टर्निंग पॉइंट, तो फर्स्ट ये है, सेकंड ये है और थर्ड पॉइंट टर्निंग पॉइंट ये है, तो जो फाइनल पॉइंट होगा वो नॉर्थ ईस्ट होगा, तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। नाउ मूव टू क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 में हमें गिवन है शाम स्टार्ट्स ट्रेवलिंग इन नॉर्थ डायरेक्शन, शाम नॉर्थ डायरेक्शन में मूव करता है फ्रॉम पॉइंट ए आफ्टर ट्रेवलिंग 3 किलोमीटर ही रीच एट पॉइंट बी, फ्रॉम देयर ही टेक्स अ राइट टर्न एंड ट्रेवल 6 किलोमीटर, देन ही रीच पॉइंट सी एंड फ्रॉम देयर ही टर्न टूवर्ड्स लेफ्ट एंड वॉक 2 किलोमीटर एंड रीच पॉइंट डी, फ्रॉम देयर ही टर्न्स टूवर्ड लेफ्ट एंड आफ्टर वॉकिंग 3 किलोमीटर ही फाइनली स्टॉप्स एट पॉइंट ई, व्हाट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट ई एंड ए, ई और ए के बीच में शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकालना है, तो जो ये राइट एंगल ट्रायंगल बनेगा इसका जो बेस हो जाएगा वो हो जाएगा 3 किलोमीटर, तो अंडर रूट 3 का स्क्वायर प्लस जो इसकी हाइट है वो हो जाएगी 3 प्लस 2 5 किलोमीटर, 5 का स्क्वायर, तो 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9 और 5 का स्क्वायर हो जाएगा हमारा 25, तो अंडर रूट 34 आंसर आ जाएगा हमारा, जो कि है ऑप्शन बी। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15 पे। क्वेश्चन नंबर 15 पे हमें गिवन है गोइंग 50 किलोमीटर टू द साउथ डायरेक्शन फ्रॉम हर हाउस, एक पर्सन है पूना में, वो अपने हाउस से साउथ डायरेक्शन में जाती है 50 किलोमीटर, देन पूनम टर्न्स लेफ्ट एंड गोस 20 किलोमीटर, उसका देन टर्निंग टू द नॉर्थ शी गोस 30 किलोमीटर एंड देन स्टार्ट वॉकिंग टू हर हाउस, उसके बाद वो अपने हाउस पे वॉक कर रही है, इन विच डायरेक्शन इज शी वॉकिंग नाउ, तो जो डायरेक्शन है अगर हम कंपास के थ्रू देखें तो जो डायरेक्शन होगी इसकी वो होगी नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन, तो ऑप्शन ए नॉर्थ वेस्ट इसका राइट आंसर होगा। सो दैट्स इट फॉर टुडे, थैंक यू एवरी।